हेलो दोस्तों, Realme 3 Pro के बारे में तो लगभग आपको सारी स्पेसिफिकेशन मालूम पड़ चुकी होंगी। लॉन्च डेट तो सबको पता ही था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है YouTube के ऊपर जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हम WikiLeaks के बारे में सुनते थे, अब YT Leaks भी आ चुका है, तो YouTube के ऊपर भी लॉन्च से पहले ही फ़ोन आपको देखने को मिल जाते हैं। कमाल तमाल चीज़ें हो रही है ना दोस्तों। तो आज Realme 3 Pro के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, मैं बात करने वाला हूँ। उसके साथ एक और फोन लॉन्च होने वाला है, Realme C2, जो कि कंफर्म हो चुका है। जैसा कि Realme 2 Pro के साथ हुआ था कि Realme C1 लॉन्च हुआ था, तो ये एब्सोल्युटली कंफर्म्ड है कि Realme 3 Pro के साथ आपका Realme C2 लॉन्च होने वाला है। तो बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेकवानी। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में, और मैं थोड़ा सा ना दोस्तों कंपेयर भी कर दूंगा C1 से, ताकि अगर आप भी आपके मन में कोई डाउट है कि C1 पे जाना है C2 पे, तो वो भी आप थोड़ा सा अपने माइंड में कैलकुलेशन जो है लगा ले। तो स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलने वाली है 6.3 इंचेस की HD स्क्रीन आपको मिलेगी, फुल HD नहीं मिलने वाले है। हालांकि Realme 3 के अंदर फुल HD नहीं थी, तो C2 के अंदर तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो HD स्क्रीन मिलेगी, फुल HD नहीं मिलने वाली है। हालांकि जो नॉच है वो C1 के अंदर काफी बड़ी थी, उसके अंदर 6.2 इंचेस का डिस्प्ले था, तो नॉच जो है वो काफी कम हो जाएगी। वाटर ड्रॉप नॉच इसके अंदर आप बोल सकते हैं, डॉट नॉच बोल सकते हैं, यूवी नॉच बोल सकते हैं, जो भी है स्पेस कम हो चुका है, और देखने में फोन काफी सुंदर लगेगा डेफिनेटली। तो 6.3 इंच के आपको HD डिस्प्ले मिल जाएगा, और पीछे बैक पैनल पे आपको जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली एक एज लेके जाता है, क्योंकि C1 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता था, C2 में डेफिनेटली एक अच्छा अपग्रेड आपको देखने को मिलता है। फेस अनलॉक का फीचर तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको हीलियो का P22 का प्रोसेसर जो है देखने को मिल जाता है। अब भाई अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को C1 के अंदर स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर जो मिलता था, और इसके अंदर हीलियो P20 जो कि मीडियाटेक का प्रोसेसर है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हीलियो का P22 है वो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, जबकि स्नैपड्रैगन का 450 जो है वो 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में बना हुआ प्रोसेसर है। तो ऐसे में जो पावर इफिशियंट है वो P22 का प्रोसेसर जो है ज़्यादा है। और अगर बात करते हैं कि गीगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपका 450 के अंदर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, जबकि इसके अंदर आपका 2.0 गीगाहर्ट्ज़ है, 2 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे प्रोसेसर चलता है। तो डेफिनेटली CPU की परफॉर्मेंस आपको लगभग 30% ज़्यादा मिलने वाली है, अगर मैं अंतुतु की या फिर Geekbench की बात करता हूँ। वहीं आपको अगर मैं बात करता हूँ ग्राफिक्स की या गेमिंग की, तो आपको डेफिनेटली स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो है ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। तो ये पर्सनली आपको चॉइस करनी है, अगर आप गेमिंग में थोड़ा ज़्यादा जाते हो तो फिर आप 450 के लिए जाइएगा, अदरवाइज हीलियो का P22 आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस CPU के अंदर डेफिनेटली देने वाला है। बात कर लेते हैं कैमरा की, तो 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा, वही सेम जो C1 के अंदर मिलता था, लेकिन फ्रंट में इन्होंने बढ़ा दिया है। C1 के अंदर 5 मेगापिक्सल कैमरा था, और इसमें फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है। अब भाई बात यह है कि कैमरा तो सेम है जो रियर की मैं बात करता हूं, लेकिन परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होने वाली है, क्योंकि हीलियो का जो प्रोसेसर है वो AI पे काफी अच्छी वर्क करता है। तो डेफिनेटली और आज की तारीख में जो है सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा कैमरे की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, तो फ्रंट में तो वैसे ही 5 से 8 हो गया है, और रियर में भी डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। बैटरी की अगर बात करते हैं तो 4230 mAh वही पुरानी बैटरी आपको मिलने वाली है, लेकिन बैटरी बैकअप आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा पहले के मुकाबले ड्यू टू प्रोसेसर। अब दो वेरिएंट्स की बात करते हैं इसके अंदर आपको, हाँ एंड्रॉयड 9 का आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ में कलर OS आपको मिलने वाला है। 6 वर्जन जो है कि लेटेस्ट है, काफ़ी बोला है रियलमी वालों ने हमने अच्छा खासा इंप्रूव कर दिया, तो भाई अब आएगा तो देखें कितना इंप्रूव किया है। 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज, 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज, दो वेरिएंट आपको मिलने वाले हैं। और मैं ऑलमोस्ट कंफर्म हूं अपनी तरफ से कि प्राइस क्या होना चाहिए, मैं बता देता हूं, हालांकि कंपनी ने या किसी ने भी अभी तक लीक नहीं कराया, बट क्यों ऐसा होना चाहिए उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज का किसी भी हाल में रेट जो है वो 7000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि 3 GB रैम और 32 GB जो स्टोरेज है उसका प्राइस जो है वो किसी भी हाल में 9000 से ऊपर जा ही नहीं सकता है, मतलब 9000 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8999 रुपये के अंदर Realme 3 आ रहा है, तो कोई क्यों लेगा C2 अगर उसको 3 GB 32 GB ऑलरेडी Realme 3 मिल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। तो मेरा मानना ये है कि 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज वाला आपको 6999 रुपये मैक्स आपको मिलना चाहिए, और 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाला आपको 7999 रुपये का मैक्स आपको मिलना चाहिए। तो नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि 7000 के आसपास में ही रेंज का ये होगा, और डेफिनेटली अगर ये 7000 की रेंज में या उससे नीचे में लॉन्च होता है तो ये बहुत अच्छा बाय हो सकता है। 8000 से नीचे में डेफिनेटली दोबारा से टॉप 3 फोन्स के अंदर आएगा, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कमाल धमाल जो है शो होने वाला है 22 अप्रैल को। Realme को मेरी तरफ से बधाई दोनों अच्छे फ़ोन लॉन्च करने के लिए।
क्योंकि 5,000 से लेके 15,000 का जो सेगमेंट है वो रेडमी ने इतना जबरदस्त कब्जा कर रखा है उसके ऊपर कि हम जैसे कंज्यूमर्स को जो है एक टक्कर रियल में ही कंपनी दे रही है। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे फोन लॉन्च होंगे और आप बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, लाइक जरूर करना अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।